शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर में जब से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, तब से प्रशासन के अधिकारी के हाथों में शहर की डोर है। इसमें सबसे आगे है मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे। मुंडे के कामों की प्रशंसा हो रही है, वही आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मुंडे हमेशा ही अपने कामों के लिए जाने जाते हैं, मगर कोरोना वायरस ये हम सभी के लिए नई चुनौती है। ऐसे में मुंडे के कामों एवं निर्णयों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के ज्येष्ठ नगर सेवक प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल भी मुंडे के निर्णय से नाखुश दिखे। उनका कहना है कि मुंडे ने कभी भी लोक प्रतिनिधि को विश्वास में नहीं लिया है। माझी माननीय आयुक्तांना हीच विनंती आहे की आपण जे कुठले निर्णय घेतात आहे ते आपण महानगरपालिकेच्या कार्यालयामध्ये बसून घेऊन राहिले, मात्र आपण घेतलेला निर्णय खालपर्यंत पोहोचवतानाची जी व्यवस्था असली पाहिजे, जे लोकशाहीमध्ये अभिप्रेत आहे, लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या समन्वयातून आपण लोकांपर्यंत हा व्यवस्था पोहोचू शकतो, आपला विचार पोहोचू शकतो। मात्र फक्त प्रशासन काम करेल, लोकप्रतिनिधीचं कुठेही स्थान नाही, लोकप्रतिनिधीचं काही संबंध नाही, ही जी भूमिका आयुक्तांची आहे ह्या भूमिकेसोबत आम्ही नाही। आज लोकांच्या ज्या अडचणी आहे ते नगरसेवकांपर्यंत पोहोचवतात, नगरसेवकांना फोन येते, नगरसेवकांकडे पर्याप्त माहिती नाही, त्यामुळे लोकांपर्यंत प्रशासनाची जी बाजू आहे ती पोहोचू शकत नाही म्हणून वी संवाद होतो म्हणून कन्फ्युजन क्रिएट होतो, आणि ह्या कन्फ्युजनमधून अशा प्रकारच्या आंदोलनाचं स्वरूप प्राप्त होते।